नमस्कार, मैं हूं गजाला प्रवीण और आप देख रहे हैं कांचा न्यूज। सबसे पहले एक नजर राज्य की सुर्खियों पर। बाबा भोलेनाथ के पास जीत की कामना लेकर देवघर पहुंचे अश्वनी चौबे, किया पूजा अर्चना, कहा मोदी की सरकार बनना तय। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने महिला कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, कहा चुनाव में होगा महिलाओं का अहम रोल। चुनाव से पहले गिरिवनवासी समाज ने की बैठक, संघ को एकजुट होकर मतदान करने की अपील। और 100% मतदान को लेकर विकास भवन में स्वीप कोषांग की उप विकास आयुक्त ने की बैठक। अब खबरें विस्तार से। देवघर में गोड्डा लोकसभा के प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने अपने आवास पर सैकड़ों की संख्या में महिला संगठनों को एक सूत्र में पिरो दिया, यानी भाजपा किचन की सरकार के रास्ते गोड्डा में अपनी जीत तय करने में लगा है। निशिकांत दुबे ने कहा कि किसी भी पार्टी के पास महिलाओं की इतनी बड़ी फौज नहीं है। महिलाओं के लिए सरकार ने 1 रुपए में रजिस्ट्री, उज्ज्वला योजना और महिला सशक्तिकरण को लेकर कई ऐसी योजनाएं चला रही है जिससे महिलाएं स्वावलंबी बने। ऐसे में अब समय आ गया कि महिलाएं भी चुनाव में अपनी हिस्सेदारी बनाएं और फिर से मोदी सरकार को लाएं, क्योंकि देश में जो माहौल है इससे कहा जा सकता है कि देश में आंधी नहीं बल्कि मोदी नाम की सुनामी आ गई है। वोट जिसको समर्थन मिल गया, जिसको प्यार मिल गया, आप समझिए उसकी विजय हो गई। महिलाएं जो है किसी राजनीति से प्रभावित नहीं होती, और महिलाएं एक ऐसी रिजिड होती है कि यदि उन्होंने मन बना लिया कि ये मुझे करना है तो उसको कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। और माननीय मोदी जी की यही एक ताकत है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो महिलाओं के लिए किया, महिलाओं को ध्यान में रखकर किया। गांव, गरीब, किसान और महिला जो है उनके टारगेट में जो रहा, और उसका असर आप समझिए कि मैंने 2014 का भी चुनाव लड़ा, आज 2019 आपको खुद ही दिखाई दे रहा है कि इतनी महिलाएं आ रही हैं अपने मन से, दूर गाँवों से आ रही हैं। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि हमारी योजना चली गई, महिलाओं तक पहुँच गई। और इस चुनाव में जो मैं कह रहा हूँ, खासकर मेरे लोकसभा में और पूरे देश भर में जो सुनामी चल रही है माननीय मोदी जी की, वो गोड्डा में भी लागू होगा। और गोड्डा में भारतीय जनता पार्टी इतने वोटों से जीतेगी कि अन्य जो उम्मीदवार हैं उसकी जमानत जब्त। देवघर बाबा मंदिर में राजनेताओं का आना और विजय भव का आशीर्वाद लेने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में एनडीए के बक्सर से लोकसभा प्रत्याशी अश्विनी चौबे बाबा मंदिर पहुंचे और तकरीबन 3 घंटे तक पूजा अर्चना की। अश्विनी चौबे ने पूजा पाठ के बाद पत्रकारों से कहा कि देश का स्वास्थ्य ठीक रहे और बाबा भोले की कृपा जनता पर बना रहे, साथ ही देश में शांति व्यवस्था बनी रहे और आतंकवाद का नाश हो, बाबा भोले से यही कामना है। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार साध के सन्ने गौरी नारायण नमस्ते। बाबा से कामना क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखाग्भू। सभी सुखी स्वस्थ रहे, आनंद रहे, दीर्घायु हो और पूरा देश हमारा सशक्त हो, पूरे राष्ट्रभक्ति जगे और पूरा देश की देश का स्वास्थ्य ठीक रहे और सभी सुरक्षित रहे, आतंकवाद का नाश हो और ऐसे भ्रष्टाचारियों का समाप्ति हो और फिर से एक बार सशक्त सरकार, मजबूत सरकार, मोदी सरकार बने, यही कामना है। 100% मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्वीप सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन की बैठक कोषांग के वरीय पदाधिकारी उप विकास आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी महिला पर्यवेक्षक को निर्देशित करते हुए उप विकास आयुक्त ने कहा कि प्रत्येक आंगनबाड़ी क्षेत्र के लिए मतदाता चौपाल का आयोजन प्रत्येक सप्ताह को बुधवार को करें। इस अभियान से सभी महिला मतदाताओं को जोड़े ताकि वे मतदान की तिथि 19 मई को स्वतः मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान करें। 100% मतदान सुनिश्चित करना एक चैलेंज होता है और जब तक सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग ना करें हम लोकतांत्रिक सरकार की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसी को सुनिश्चित करने के लिए अभी ये स्वीप कोषांग की बैठक हो रही है। हमारे क्षेत्र के जितने भी CDPOs हैं और उनके सहयोगी हैं वो आए हुए हैं, उनसे अपील की जा रही है और उन्हें निर्देशित किया जा रहा है कि वो मैक्सिमम नंबर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाएं और 100% वोटिंग सुनिश्चित कराएं। इसके लिए हम लोग अलग अलग तरह का मतदाता चौपाल है, प्रत्येक बुधवार को इनको डायरेक्शन दिया गया कि मतदाता चौपाल सभी आंगनबाड़ी सेंटर्स में लगाएं और जितने भी क्षेत्र की महिलाएं हैं, महिला मतदाताओं को इससे जोड़ें।
दिव्यांगों के लिए भी विशेष इंस्ट्रक्शन अभी दिए गए हैं कि दिव्यांगों के लिए प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है, कोई भी शारीरिक अक्षमता के कारण ना छूट जाए ये सुनिश्चित की गई है, उनके लिए सारी व्यवस्था है, पुख्ता इंतजाम है, उन्हें क्यू में नहीं लगना पड़ेगा और वे मतदान करें, निर्भीक होकर के मतदान करें और शत प्रतिशत मतदान करें, इसी के लिए स्वीप कोषांग की बैठक हो रही है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। अगर आपको नॉन स्टिक की कुकर लेना है तो रामा इलेक्ट्रिकल्स में आइए। लुमिनस इन्वर्टर चाहिए या फिर बैटरी तो हमारे रामा इलेक्ट्रिकल्स में आइए। जूसर ग्राइंडर चाहिए या फिर घरों को सजाने के लिए सिस्का लाइट्स तो रामा इलेक्ट्रिकल्स में आइए। कई उत्पादों का समागम रामा इलेक्ट्रिकल्स, महिला थाना के सामने, देवघर, झारखंड। कॉन्टेक्ट नंबर 7903718368, 7903718368। एसकेपी विद्या विहार वैद्यनाथ धाम की बौद्धिक धरा पर शिक्षा की एक बुलंद अभिव्यक्ति, ज्ञान का कुटीर, एक प्रांगण जो है खेलकूद सांस्कृतिक संरचनात्मक गतिविधियों का संसार। हम लोग दिन रात लगे हुए हैं कि विद्यालय को कैसे उत्तरोत्तर विकास किया जाए, इसके लिए अच्छे अच्छे टीम और फैकल्टी हम लोग मंगा रहे हैं। प्लस टू की भी पढ़ाई हम उतने अच्छे ढंग से कराना चाहते हैं जितने अच्छे की अभी तक में टेंथ का हमारा रिजल्ट किया। शिक्षाविद स्वर्गीय बाबू व्रिगोदर सिंह जी के द्वारा स्थापित व एसकेपी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा संचालित एसकेपी विद्या विहार बम्पास टाउन देवघर। सीबीएसई दिल्ली से मान्यता प्राप्त 10+2 विद्यालय। आज हमारे विद्यालय से पास आउट बच्चे 3-4 बच्चे आईआईटी में हैं, 3 डॉक्टर हो चुके हैं, बहुत बच्चे सीए चार्टर अकाउंटेंसी करके बहुत। I just want to be an industrial business tycoon. I want to become an IAS officer. I want to become a doctor. I just want to be a fashion designer. I want to do hotel management. And I want to be an IAS. I want to be a banker. I want to be a doctor. I want to be an engineer. My school is best in the city because it has good facilities and सिर्फ ट्रेडिशनल एजुकेशन ही नहीं बल्कि पर्सनालिटी ग्रूमिंग, क्रिएटिव सेंस डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, पेंटिंग, योगा, क्रिएटिव राइटिंग और स्पीकिंग पावर आदि सभी तरह के को क्यूरिकुलर एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों के संपूर्ण विकास का प्रयास। एसकेपी विद्या विहार बम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चुनाव आते ही कई संगठन मतदान को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। झारखंड का सबसे पिछड़ा आदिवासी मतदाताओं में भी चुनाव के प्रति जागरूकता देखी जा रही है। गिरी आदिवासी कल्याण परिषद ने देवघर के मारवाड़ी कांवड़ संघ में एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें आदिवासी और पहाड़िया जनजाति के महिला और पुरुष मतदाताओं को इकट्ठा कर संगठन मजबूती पर बल दिया गया। कल्याण परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि हमारा संगठन काफी पुराना है लेकिन सरकार आदिवासी और पहाड़िया जनजाति के लिए सिर्फ योजनाएं ही बनाती है। इस बार चुनाव में इन बातों को ध्यान में रखा जाएगा, साथ ही ज्यादा से ज्यादा आदिवासी और पहाड़िया जनजाति को संगठन में जोड़कर चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी। सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में जनजातियों ने हिस्सा लिया। आश्रम
खास करके ये जो हमारा गिरि वनवासी कल्याण परिषद है इधर 6 जिला का संथाल क्षेत्र का, ये इधर का जो जनजाति समाज है खास करके संथाल समाज हैं, पहाड़िया समाज हैं, इनके बीच में जागरण करने के लिए साल में एक बार कहीं न कहीं मिले और एक धर्म सभा के रूप में अपने धर्म संस्कृति की चर्चा कर सके, इसलिए ये आयोजन है। इसमें क्या क्या एक साल का क्या तय होता है? इसमें हमारा जो रीति रिवाज है, परंपरा है, पर्व त्यौहार है, वो हमारा जो संस्कृति के आधार पर चलने वाले जो कुछ भी हैं उसमें कहीं हरास तो नहीं हो रहा है, कहीं त्रुटियां तो नहीं हो रही हैं, उसको सुधार भी करना और फिर आगे विकास कैसे कर सकते हैं, धर्म संस्कृति के साथ साथ विकास भी जरूरी है, वो भी इसकी भी चर्चा। देवघर स्थित स्थानीय होटल के सभागार में एक निजी कंपनी के द्वारा फैशन शो का आयोजन किया गया। इस शो में भागलपुर और देवघर की युवक और युवतियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान वहां समाज सेवी रीता चौरसिया, राकेश कुमार सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। हम आपको बता दें कि यह फैशन शो एक मैगजीन के कवर फोटो के लिए किया गया था। ब्यूटी एंड द बेस्ट मैगजीन से, जो कि एक इंटरनेशनल मैगजीन है, हमने यहाँ के युवाओं को, यहाँ के मेकअप एक्सपर्ट्स को, एंटरप्रेन्योर्स को एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करी है, जिसके अंदर हम लोगों ने सुबह के सेशन में करीब 80-85 देवघर और इंटायर झारखंड, गोड्डा, भागलपुर, कटिहार, इनफैक्ट बिहार, पटना से करीब 80-85 सैनोलो पीपल को बुलाया और यहाँ बुला करके उनको हम लोगों ने जो है प्रशिक्षण दिया, एडवांस ट्रेनिंग दी मेकअप में। और शाम को कुछ मॉडल्स जो कि हमारे द्वारा सेलेक्टेड मॉडल्स हैं, जो कि हमने देवघर के करीब 50 जो है मॉडल्स का सिलेक्शन किया, उसमें से फाइनलिस्ट हमने चुना 28 और 28 मॉडल्स का हमने आज यहाँ वॉक किया। और आपने भी देखा होगा कि वॉक जो है इंडो वेस्टर्न राउंड में, ट्रेडिशनल राउंड में, वेस्टर्न राउंड में 3 राउंड में वॉक हुए, सबने वॉक किया। वॉक करने के बाद, उनका परफॉर्मेंस देखने के बाद, उनकी ग्रूम्ड पर्सनैलिटीज़ देखने के बाद में हमने उसमें से करीब 8 विनर्स आज अनाउंस किए हैं, जिसमें कि 4 लड़कियाँ और 4 लड़के हैं। और ये 4 लड़कियाँ और 4 लड़के सारे हमारे देवघर से हैं। सो ये देवघर के लिए बहुत बड़ी बात है कि इस तरीके का आयोजन जो है पहली बार जो है हमने यहाँ से किया है। झारखंड में भाजपा की सरकार बने लगभग 5 साल पूरे होने को है। इन 5 सालों के दरमियान में राज्य में विकास की गति क्या है, इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। सारण विधानसभा से जीतकर भाजपा सरकार में मंत्री पद ग्रहण करने के साथ ही मत्स्य विभाग के मंत्री रणधीर सिंह ने मछुआरों को विशेष ध्यान देने की बात की थी, लेकिन इन 5 सालों में तस्वीर कुछ भी नहीं बदला। जो मछुआरों वर्षों से VIP चौक के पास मछली बेचने का काम करते थे, उन्हें आज तक बाजार उपलब्ध नहीं कराया गया। हम आपको बता दें कि मंत्री की ओर से मछुआरों को बाजार उपलब्ध कराने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक उस पर फिर दोबारा विचार नहीं किया गया। हम लोग को योजना तो कुछ हाथ नहीं लगा सर, जो तालाब भरते थे वही तालाब भर रहे हैं हम यहाँ, और हम लोग को तो कोई बढ़ावा तो नहीं मिला कोई नहीं सर, उसको तो कुछ नहीं। तो आप लोग क्या उम्मीद करते हैं मंत्री से, बताइए। अभी देखिए 5 साल में तो नहीं हुआ, अभी फिर देखिए क्या होता है, होने के बाद कुछ तभी बता पाएंगे। ये बात बोल रहा है वेंडर जो अध्यक्ष है अभी दिलीप जी, वही बोले कि हम निगम में बात किए तो साहब बोलते हैं कि नहीं, बाजार से हट के आपको साइड में दिया जाएगा। हम लोग सोचे कि उतना साइड में दे दीजिएगा तो वहाँ कौन पब्लिक जाएगा खरीदने। तो हम लोग को ऐसा दीजिए कि मतलब ज़्यादा साइड भी नहीं हो और बाजार भी नहीं हो। हम लोग सोच रहे हैं कि नदी जो है डेढ़वा पुल के पास, वहाँ हम लोग को दे दीजिए। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहिए कांचा न्यूज के साथ। नमस्कार। बाबा भोलेनाथ के पास जीत की कामना लेकर देवघर पहुंचे अश्वनी चौबे, किया पूजा अर्चना, कहा मोदी की सरकार बनना तय। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने महिला कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, कहा चुनाव में होगा महिलाओं का अहम रोल। चुनाव से पहले गिरिवनवासी समाज ने की बैठक, संघ को एकजुट होकर मतदान करने की अपील। और 100% मतदान को लेकर विकास भवन में स्वीप कोषांग की उप विकास आयुक्त ने की बैठक।